कालापीपल थाना इलाके में लापता हुए तीनों बच्चों के शव पुलिस ने तालाब से बरामद किए हैं। बच्चों की मौत पर पूरे गांव में मातम का माहौल है। बच्चों की मौत पर कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी मृतक बच्चों के परिजनों से मिले और परिवार को ढांढस बंधाया। देखिए रिपोर्ट। मामला कालापीपल थाने इलाके के भूरिया खजूरिया गांव का है, जहां पर शनिवार के दिन तीन बच्चे लापता हो गए थे। बच्चों के परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बच्चों की खोज शुरू कर दी थी। पुलिस को तीनों बच्चों के कपड़े तालाब किनारे मिले। जब पुलिस ने तालाब में सर्चिंग करवाई तो तालाब से तीनों के शव बरामद हुए। डॉक्टर ने तीनों बच्चों की पानी में डूबने की मौत की पुष्टि की है। दिनांक 4/12 की दोपहर बाद की घटना है। तीनों बच्चे अभिषेक पिता अमर सिंह, अभिषेक पिता आत्माराम एवं नैतिक बागरी स्कूल अध्ययन करने गए थे। इसके बाद मध्याह्न भोजन में भोजन करके 2:30 बजे घर पे आ गए थे। घर पर माता पिता मौजूद थे। उस वक्त बच्चों ने कपड़े बदले और बस्ता घर पे रखा, बाद वापस चौराहे पे चले गए। 4:30 के बाद वो बच्चे नहीं दिखे। पीछे तालाब बना हुआ है, उसमें ग्रामीण के द्वारा देखा गया था, लेकिन तालाब सूख चुका था, एक गड्ढा बाकी था, उसमें पानी था, तो उसमें वो देख नहीं पाए। पुलिस को सूचना मिलने पर धारा 363 IPC तीनों बच्चों का अपहरण का मामला मेरे द्वारा कायम कर लिया गया था। तत्काल बाद मौके पे पहुंचा, रात भर मेरे द्वारा भी सर्च किया गया, लेकिन प्रातः पुनः तालाब पे गए तो बच्चों के कपड़े मिले और जूते बाहर मिले। तत्काल ग्रामीणों की मदद से पानी में उतारा गया। पानी में 10 फीट गहरा पानी था, किंतु बॉडी निकाली तत्काल और सरकारी हॉस्पिटल कालापीपल लाए। PM कराया, बाद डॉक्टर से चर्चा की, डूबने से मृत्यु होना बताया। बाद परिजन के जिम्मेदार अंतिम संस्कार कराया गया, जांच जारी। वहीं बच्चों की मौत पर तीनों परिवारों में मातम छा गया है। बच्चों की मौत पर कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी मृतक बच्चों के परिजनों से मिले और परिवार को ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि तीनों बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। ग्रामीणों ने बच्चों को नम आंखों से विदाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, कालापीपल।